नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करेला मुखी, खबर मेरठ से, जहाँ CBSE की 10वीं की परीक्षा में एक ऐसे लड़के की भी फर्स्ट डिवीजन आ गई, जो आंसर शीट्स में सिर्फ अपना रोल नंबर लिखकर आया था। लड़के का दावा है कि साइकिल पर उसे परीक्षा केंद्र छोड़ने आए उसके चाचा को भी CBSE वालों ने 75% मार्क्स दे दिए हैं। इस बारे में पक्ष जानने के लिए जब मैंने CBSE के अधिकारियों को फोन लगाया तो उन्होंने धमकी दी कि मैडम फोन रख दीजिए वरना हम आपको भी 90% मार्क्स दे देंगे। वही खबर है कि बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए CBSE अगले साल से वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर परीक्षा फ्रॉम होम का नियम लाने वाली है, जिसके बाद बच्चे घर से ही मैगी खाते हुए परीक्षा दे पाएंगे। साथ ही बोर्ड बच्चों से कहेगा कि अपना क्वेश्चन पेपर वो खुद ही तैयार करें ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख पाएं। बोर्ड का यह भी मानना है कि टीचर से ज्यादा माँ बाप समझते हैं कि उनका बच्चा क्या कहना चाहता है, इसलिए अब से हर माँ बाप को ये छूट होगी कि अपने बच्चे की कॉपियाँ वो खुद ही चेक करें ताकि बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना हो पाए। रिजल्ट आने के साथ ही देश भर में रिश्तेदारों का तांडव भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जगतपुरी में एक बच्चे को रिजल्ट पूछने के लिए ऐसे रिश्तेदार का फोन आया जिसकी 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि मरने के बाद भी रिश्तेदारों के रिजल्ट के लिए फोन करने का ये पहला मामला नहीं है। कल ही दिल्ली के पंजाबी बाग में शमशान ले जाते वक्त एक बुजुर्ग उस वक्त अर्थी से खड़े हो गए जब उन्हें पता चला कि उनकी गली के सोनू का 12वीं का रिजल्ट आ गया है। जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में मृत रिश्तेदार की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक किसी बच्चे के मुंह से वो ये ना सुन ले कि वो फेल हो गया। इस बीच खबर है कि अदालत ने रिश्तेदारों द्वारा बच्चों के नंबर पूछने पर ही रोक लगा दी है। अब से कोई रिश्तेदार फोन या व्हाट्सएप पर अगर किसी बच्चे से नंबर पूछता पाया गया तो उसे चौराहे पर मुर्गा बनाकर 1000 कोड़े मारे जाएंगे। अगर वो दोबारा ऐसी गलती करता है तो उसे पेड़ से बांध कर 2 घंटे तक ढींचक पूजा का सेल्फी मैंने ले ली आज गाना सुनाया जाएगा। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। अदालत का मानना है जिस तरह एक आदमी से उसकी तनख्वाह, लड़की से उसके बॉयफ्रेंड, गरीब आदमी से उसके मोबाइल की रैम नहीं पूछनी चाहिए, उसी तरह एक नालायक बच्चे से आगे बढ़कर कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि बेटा कितने नंबर आए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 12वीं में इतने बच्चों के फेल होने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिना पढ़ाई किए बच्चे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तेजस्वी का इतना कहना ही था कि पूरी महफिल ठहाकों से गूंज उठी, यहाँ तक कि उस तंबू की भी हंसी छूट गई जिसके नीचे वो अपना भाषण दे रहे थे। Thank you.